वेलकम एवरीवन, आई डॉक्टर अंजलि सक्सेना वेलकम यू ऑल। हमने देखा था रॉ मटेरियल क्या होते हैं पोर्टलैंड सीमेंट के, जहां हमने देखा आर्जिलेशियस मटेरियल, कैलकेरियस मटेरियल और उसके अलावा हमने देखा जिप्सम एंड पाउडर्ड कोल। तो कैलकेरियस मटेरियल में हमने देखा वो मटेरियल जो लाइम सप्लाई करते हैं उनको हम कैलकेरियस मटेरियल बोलते हैं, जो एल्यूमिना सिलिका और आयरन के ऑक्साइड्स प्रोवाइड करते हैं उनको हम आर्जिलेशियस मटेरियल बोलते हैं। जिप्सम और पाउडर कोल हमने देखा कि ये सब मिलकर पोर्टलैंड सीमेंट को बनाते हैं। तो अब ये रॉ मटेरियल किस तरीके से मिलकर पोर्टलैंड सीमेंट को बनाएंगे, दैट मीन्स व्हाट विल बी द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट, आज हम यही समझेंगे। तो आइए समझते हैं मैन्युफैक्चर ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट बाय रोटरी किल्न मेथड। मैन्युफैक्चर ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट की अगर हम बात करें तो ये 5 स्टेप में होता है। नंबर 1 मिक्सिंग, नंबर 2 बर्निंग, नंबर 3 कूलिंग, नंबर 4 ग्राइंडिंग एंड नंबर 5 पैकिंग। सो दीज आर द 5 स्टेप जिसमें हम पोर्टलैंड सीमेंट को प्रिपेयर करेंगे, मैन्युफैक्चर करेंगे। सबसे पहले जो भी हमारे रॉ मटेरियल्स हैं उनको मिक्स किया जाएगा। तो ये जो रॉ मटेरियल मिक्स किए जाते हैं ये दो तरीके से किए जा सकते हैं, या तो ये ड्राई प्रोसेस से किए जाएंगे या ये वेट प्रोसेस से किए जाएंगे। जब कभी भी हमारे जो रॉ मटेरियल हैं उनमें मॉइस्चर कंटेंट लिमिटेड होता है, इनहेरेंट होता है, तो हम ड्राई प्रोसेस से मिक्सिंग ऑफ रॉ मटेरियल करते हैं। लेकिन अगर हमारे रॉ मटेरियल्स में मॉइस्चर बहुत ज्यादा है देन वी गो फॉर वेट प्रोसेस। तो हम मिक्सिंग दो तरीके से कर सकते हैं रॉ मटेरियल की, बाय ड्राई प्रोसेस और बाय वेट प्रोसेस। बर्निंग का जो प्रोसेस किया जाता है ये किन में किया जाता है और आज जिस किन के थ्रू हम इसको प्रिपेयर करना सीखेंगे वो है रोटरी किन। देयर अदर किन मेथड आल्सो लाइक वर्टिकल किन मेथड, जिससे कि हम ये सीमेंट प्रिपेयर कर सकते हैं, बट हम रोटरी किन मेथड से आज इस पोर्टलैंड सीमेंट को मैन्युफैक्चर करना सीखेंगे। तो मिक्सिंग हो गई, बर्निंग हो गई, या बर्निंग के थ्रू हमारे जो क्लिंकर्स मिल जाते हैं, हमारा जो सीमेंट होता है ये छोटे छोटे स्टोन ग्रेइश स्टोन की फॉर्म में मिल जाता है जिसको हम क्लिंकर्स कहते हैं। इन क्लिंकर्स को कूल किया जाता है, ग्राइंड किया जाता है और फिर डिजायरेबल पैकेजिंग उसकी कर दी जाती है। तो दीज आर द फॉलोइंग स्टेप्स जिसमें कि पोर्टलैंड सीमेंट को प्रिपेयर किया जाता है, जिसमें से बर्निंग मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर हम देखेंगे जो रॉ मटेरियल है उनमें आपस में किस तरीके से रिएक्शन हुई जिससे कि क्लिंकर्स बने सीमेंट के। तो आइए वन बाय वन इन स्टेप्स को समझते हैं। सबसे पहला स्टेप है मिक्सिंग। तो जो भी हमारे रॉ मटेरियल्स थे वो या तो ड्राई प्रोसेस से या वेट प्रोसेस से उनकी मिक्सिंग की जाएगी। अब ये जो मिक्सिंग होगी इसमें रॉ मटेरियल्स की होगी, और रॉ मटेरियल्स की बात करें तो वही है हमारे कैलकेरियस मटेरियल जो हमें लाइम देंगे, आर्जिलेशियस मटेरियल जो हमें एल्यूमिना सिलिका और आयरन ऑक्साइड्स देंगे, इसके अलावा जिप्सम जो कि लेटर स्टेज पर मिलाया जाता है कूलिंग के बाद, और कोल एज अ फ्यूल यहाँ पर यूज किया जाता है। तो ये दो मटेरियल तो बाद में स्टेप में ऐड किए जाएंगे जो हमने रॉ मटेरियल में देखे थे, लेकिन ये जो दो मटेरियल है कैलकेरियस मटेरियल लाइक लाइम स्टोन होगा तो उसको हम ग्राइंड करेंगे, क्ले होगी जो सिलिका प्रोवाइड करेगी तो उसकी वॉशिंग्स करेंगे और उसको मिक्स कर देंगे या तो ड्राई प्रोसेस से या वेट प्रोसेस से। जो भी लाइम स्टोन होगा उसको क्रश करेंगे, जो भी हमारी क्ले होगी उसको वॉश करेंगे और इन दोनों को मिक्स कर देंगे। अब ये मिक्स्ड फॉर्म में जाएगी अगले स्टेप में जो कि है बर्निंग। ड्राई प्रोसेस और वेट प्रोसेस में क्या डिफरेंस है ये अपनी सेपरेट वीडियो में हम समझेंगे। अब चलते हैं अपने सेकंड स्टेप की तरफ जो कि है बर्निंग। बर्निंग जो यूजली होती है ये रोटरी किन में होती है। रोटरी किन की अगर हम बात करें तो ये एक लॉन्ग स्टील सिलेंडर होता है। ये जो सिलेंडर होता है इसकी लेंथ जो होती है वो 90 से 120 मीटर तक हो सकती है, जबकि जो डायमीटर होता है वो 2 से 4 मीटर तक का हो सकता है। ये जो रोटरी किन होती है ये रिफ्रेक्टरी ब्रिक्स की मिलकर बनी हुई होती है, यानी जो उसकी लाइनिंग होती है वो रिफ्रेक्टरी ब्रिक्स की होती है, और ये थोड़ी सी इंक्लाइन होती है एग्जिट की तरफ। इसके जो बीच बीच में माउंटेड होते हैं कुछ रोलर्स जो इसके रॉ मटेरियल को मिक्स करते रहेंगे, और ये रोटरी किल्न जो होती है ये इंक्लाइन और रोटेट होती रहती है। इसको एक डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। ये रोटरी किल्न की आउटरी लाइन है, यहाँ पर एक हॉपर अवेलेबल होता है स्लरी ऐड करने के लिए। जो भी हमारे रॉ मटेरियल होंगे वो स्लरी की फॉर्म में या तो पाउडर्ड फॉर्म में होंगे अगर हम ड्राई प्रोसेस से गए, या फिर वो सलरी की फॉर्म में होंगे अगर हम वेट प्रोसेस से गए हैं। जो रोटरी किन होती है ये रिफ्रेक्टरी ब्रिक्स की मिलकर बनी हुई होती है। तो ये स्टार्टिंग वाला जो माउथ होता है ये कनेक्टेड होता है एक एग्जॉस्ट से जो कि कनेक्टेड होती है एक चिमनी से। यहाँ से जितनी भी फ्ल्यू गैसेज है वो बाहर आ जाती है। तो ये है यहाँ से हम स्लरी प्रोवाइड करते हैं।
ये टोटल पूरी जो किन है ये थ्री पार्ट में डिवाइडेड होती है, या कह सकते हैं यहाँ पर तीन तरीके का टेम्परेचर मिलेगा। तो जो ये वाला एरिया होगा इसका टेम्परेचर ज्यादा होगा, इसका उससे कम होगा और इसका सबसे कम होगा। यहाँ पर हम लेते हैं पाउडर्ड पोल, यहाँ से हॉट एयर प्रोवाइड की जाती है, यहाँ से कूल एयर प्रोवाइड की जाती है क्लिंकर्स के लिए। यहाँ से जो भी मटेरियल आएगा वो क्लिंकर्स की फॉर्म में होगा। ये बॉल मिल होगी जिससे कि ग्राइंडिंग की जाएगी और यहाँ पर जिप्सम ऐड किया जाएगा और यहाँ से बाहर सीमेंट मिलेगा जिसको हम पैकेज की फॉर्म पैकिंग कर देंगे डिजायरेबल शेप में। ये जो तीन पार्ट मैंने दिखाए ये स्टार्टिंग वाले पॉइंट का टेम्परेचर होता है 500 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ये सेंटर वाले पार्ट का टेम्परेचर होता है 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक और यहाँ का टेम्परेचर होता है 1500 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो अलग अलग जोन बन गए, तीन जोन बन गए, इन तीन जोन में अलग अलग रिएक्शन होंगी। ये है एग्जॉस्ट फैन, दिस इज चिमनी और यहाँ से फ्ल्यू गैसेस बाहर आ जाएंगी और यहाँ कलेक्ट हो जाएगी डस्ट। सो दिस इज द डायग्राम फॉर ऑफ रोटरी किन। समझते हैं बर्निंग का प्रोसेस कैसे किया जाता है। बर्निंग के प्रोसेस में जैसा कि हमने देखा टोटल थ्री जोन थे। सबसे पहले जोन को हम बोलते हैं ड्राइंग जोन, ड्राइंग जोन जिसका टेम्परेचर है 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक। यहाँ पर ये हमारा सबसे टॉप वाला पोर्शन हो गया रोटरी किन का, जहां पर टेम्परेचर हम समझ सकते हैं 100 से 500 डिग्री सेंटीग्रेड तक कुछ भी हो सकता है। ये ड्राइंग जोन कहलाता है क्योंकि यहाँ पर जितना भी मॉइस्चर है वो रिमूव हो जाता है, स्लरी में जितना भी मॉइस्चर होगा वो खत्म हो जाएगा और ड्राई मटेरियल जो होता है वो नीचे मूव करता है। ये जो रोटरी किन होती है ये रोटेट होती है, ये रोटेट होती है, तो यहाँ पर ऊपर जो भी मटेरियल होगा वो धीरे धीरे नीचे की तरफ इस जोन में आना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट जोन को हम बोलते हैं कैल्सिनेशन जोन, इसका जो टेम्परेचर होता है दैट इज अप टू 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। ड्राइंग जोन को हमने ड्राइंग जोन कहा था क्योंकि ऑल मॉइस्चर रिमूव्स हियर। बात करें अगर कैल्सिनेशन जोन की तो ये मिडिल पार्ट होता है किन का, जहां पर जो टेम्परेचर है वो हम कह सकते हैं 1000 डिग्री सेंटीग्रेड तक है और यहाँ पर जितना भी ऑर्गेनिक मैटर होता है वो बर्न हो जाता है और कैल्शियम कार्बोनेट डिकम्पोज होता है और कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट होता है। तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, यहाँ पर जितना भी कैल्शियम कार्बोनेट होगा वो इस जोन में कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो CO2 गैस होगी ये एग्जॉस्ट के थ्रू यहाँ फ्ल्यू गैसेस की फॉर्म में बाहर निकल जाएगी। अब हमारे जो भी मटेरियल हैं जो हमने रॉ मटेरियल की फॉर्म में लिया था, हमने सिलिका लिया, लाइम लिया या हमने एल्यूमिना लिया, तो हमारा जितना भी लाइम था वो CaO की फॉर्म में आ चुका है। अब यहाँ से आगे इस स्लरी से जो भी मटेरियल जाने वाला है उसमें लाइम की फॉर्म में तो CaO है, बाकी हमारा एल्यूमिना, सिलिका और जितने भी आयरन के ऑक्साइड हैं वो 1000 डिग्री सेंटीग्रेड से आगे 1500 डिग्री सेंटीग्रेड की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर थर्ड पार्ट का काम आ जाता है जब वो नेक्स्ट जोन में आ जाते हैं, जिसको हम बोलते हैं बर्निंग जोन और क्लिंकरिंग जोन। ये हॉटेस्ट और लोअर मोस्ट पोर्शन होता है, इसका जो टेम्परेचर होता है वो 1400 से 1600 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच का होता है, तो हमने 1500 इसका लिख लिया था, तो इसके बीच में कुछ भी टेम्परेचर हो सकता है। यहाँ पर जितना भी मिक्सचर है वो मेल्ट होता है और उसके बीच में केमिकल रिएक्शंस होती हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको समझाया कि जो लाइन था वो तो CaO में कन्वर्ट हो चुका है, अब लाइम, क्ले, एल्यूमिना, सिलिका इन सबके बीच में आपस में रिएक्शन होती है और वो रिएक्शन कुछ इस तरीके से होती है। हमारा जो लाइम है यानी कि जो CaO है वो सिलिका के साथ रिएक्ट करता है जिसको हम बोलते हैं डाई कैल्शियम सिलिकेट। इसके मेल्टेड फॉर्म में अलग अलग रिएक्शन होंगी जो अलग अलग कंपोजिशन की होंगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम नेक्स्ट रिएक्शन को देखें तो वो होगी 3CaO प्लस SiO2 और यहाँ पर बनेगा 3CaO SiO2, तो इसको हम बोलेंगे ट्राई कैल्शियम सिलिकेट। इसके बाद इसकी रिएक्शन होती है एल्यूमिना के साथ, इसको हम बोलेंगे ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट। नेक्स्ट अगर हम रिएक्शन देखें तो यहाँ पर होगी 4CaO प्लस Al2O3 और एल्यूमिनियम के ऑक्साइड के साथ साथ आयरन के ऑक्साइड भी यहाँ रिएक्ट करेंगे, तो इन सबको हम मिलाकर लिख देते हैं 4CaO Al2O3 Fe2O3। इसका नाम है टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनियम फेराइट। तो ये मिक्सचर है, कंपोजिशन है सीमेंट का,
जहाँ हमने देखा डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनेट। आगे जाके हम इसको C2S से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको C3S से रिप्रेजेंट करेंगे, इसको C3A से रिप्रेजेंट करेंगे और इसको C4AF से रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये कंपोजिशन बना। अब ये जो कंपोजिशन है यहाँ पर, ये क्लिंकर्स की फॉर्म में यहाँ से रोटेट होता हुआ, लोअर पोर्शन से रोटेट होता हुआ ये इस पोर्शन में आ जाएगा। यहाँ पर हॉट एयर प्रोवाइडेड हो रही होगी, ये हॉट एयर प्रोवाइड हो रही होगी, यहाँ पर पल्वराइज कोल है, तो यहाँ से क्या होगा, ये इस जगह कोल क्लिंकर्स की फॉर्म में आ जाएगा। यहाँ से कूल एयर फ्लो कराई जा रही है, यहाँ से ये बॉल मिल में आएगा, ग्राइंड होगा, जिप्सम इसमें मिला दिया जाएगा, जिप्सम मिलाने के बाद ये पूरा सीमेंट कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम अपने बर्निंग प्रोसेस को खत्म कर चुके हैं, अब कूल कर रहे हैं और ग्राइंड कर रहे हैं और पैक कर रहे हैं। तो ये इस रोटरी किन से बाहर आ रहा है और बाहर आने के बाद क्लिंकर में कन्वर्ट हुआ, बॉल मिल में आया, यहाँ पर ग्राइंड होगा, यहाँ पर जिप्सम ऐड किया जाएगा और सीमेंट बाहर आ जाएगा। तो हम ग्राइंडिंग करते हैं तो जो कूल्ड हमारे क्लिंकर्स होते हैं उसमें 2-5% जिप्सम ऐड किया जाता है। जो फाइनली ग्राउंडेड जिप्सम क्लिंकर्स होते हैं वो बहुत क्विकली सेट होते हैं, तो उनका जो जब भी वो पानी के कॉन्टेक्ट में आते हैं, तो अगर हम जिप्सम ऐड कर देते हैं तो जिप्सम क्या करता है, जिप्सम एक रिटार्डिंग एजेंट की तरह वर्क करता है और सेटिंग को डिले करता है। तो सीमेंट को जब पानी के साथ मिलाया जाएगा तो इनिशियल सेट टेक प्लेस ड्यू टू हाइड्रेशन। तो जो हमारा ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट है वो हाइड्रेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। आगे की अपनी वीडियो में हम देखेंगे कंपोजिशन ऑफ सीमेंट को, तो हम अभी देखते हैं, बट इनका क्या रोल है इसको भी हम देखेंगे। तो जो ट्राई कैल्शियम हमारा एल्यूमिनेट है वो हाइड्रेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, तो जिप्सम क्या करता है, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट के साथ रिएक्ट कर लेता है, जिससे कि हाइड्रेशन का जो रेट है वो रिटार्ड हो जाता है और सेटिंग के लिए टाइम मिल जाता है। इसके बाद जो हमारा सीमेंट मिलेगा उसको पैकिंग करेंगे और सप्लाई करेंगे। तो यही है मैन्युफैक्चर ऑफ सीमेंट। इस पूरे प्रोसेस में हमें एक चीज और निकल के आई, व्हाट इज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ सीमेंट। तो केमिकल कंपोजिशन ऑफ सीमेंट अभी हमने देखा था C2S, C3S, C3A, C4AF, तो दिस इज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ सीमेंट, इसको नोट कर लेते हैं एक बार। नेक्स्ट वन इज डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, जिसका फॉर्मूला होगा 3CaO Al2O3। नेक्स्ट वन इज टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट, जिसका फॉर्मूला हमने देखा था 4CaO टेट्रा Al2O3 Fe2O3। सो दिस इज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ क्लिंकर वी कैन से। और जब हम क्लिंकर और जिप्सम ऐड कर देंगे तो ये बन जाएगा पोर्टलैंड सीमेंट। सो दिस इज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ सीमेंट। अगर हम ऊपर देखें तो ये क्लिंकर्स हैं और इन सबका अपना एक रोल है। जो ट्राई कैल्शियम सिलिकेट होता है वो मीडियम रेट ऑफ हाइड्रेशन के लिए होता है और ये अल्टीमेट स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। तो हमने यहाँ देखा C3S, C2S, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, डाई कैल्शियम सिलिकेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट, ये क्लिंकर के कंपोजिशन थे। इसमें से जो C3S है ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है सीमेंट को। जो डाई कैल्शियम सिलिकेट है वो भी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, बट दैट इज कंपेरेबल टू C3S, यानी कि जैसे कि ट्राई कैल्शियम सिलिकेट जो होता है वो ज्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है इज कम्पेयर टू C2S, बट दिस इज ऑल्सो रेस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेंथ। बात करें अगर ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट की, तो ये हाइड्रेशन बहुत जल्दी होता है इसकी वजह से, तो ये इनिशियल सेट ऑफ फ्लैश सेट के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। इट्स अर्ली स्ट्रेंथ इज गुड बट अल्टीमेट स्ट्रेंथ इज पुअर, ये रेस्पॉन्सिबल होता है इनिशियल सेट और फ्लैश सेट के लिए। जो टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट है ये स्लो रेट ऑफ हाइड्रेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। बोथ इट्स अर्ली एंड अर्ली मेट स्ट्रेंथ आर पुअर एंड हेंस डू नॉट कंट्रीब्यूट मच टू द स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट। तो ये स्लो रेट ऑफ हाइड्रेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ हमने देखा मेनली ये दोनों स्ट्रेंथ के लिए रेस्पॉन्सिबल है और ये हाइड्रेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल है, लेकिन C3A हाइड्रेशन के लिए ज्यादा रेस्पॉन्सिबल है। अगर सीमेंट की बात करें तो यहाँ हमने जिप्सम और ऐड कर दिया था। जिप्सम क्या करता है, C3A के साथ रिएक्ट करेगा और एक जेल जैसा कंपाउंड बना देगा, जिससे कि जो इनिशियल सेट है या सेटिंग का रेट है वो डिले हो जाएगा सीमेंट का।
तो यही है पोर्टलैंड सीमेंट। तो आज हमने देखा पोर्टलैंड सीमेंट कैसे बनाया जाता है, कितने स्टेप में बनाया जाता है ये हमने देखा। टोटल 5 स्टेप थे, मिक्सिंग ड्राई और वेट प्रोसेस से कर सकते हैं, बर्निंग जो कि हमने रोटरी किन में की और 3 जोन में की, उसके बाद हमें जो मिले क्लिंकर्स मिले हमने कूल किया, उनको ग्राइंड किया, जिप्सम ऐड किया और सीमेंट को हमने पैक कर दिया। और अलग अलग जोन में हमने बर्निंग जोन में रिएक्शन देखी थी, टोटल 3 जोन थे। तो हमने देखा था एक था ड्राइंग जोन, एक था कैल्सिनेशन जोन और एक था बर्निंग जोन। उसके बाद हमने देखा व्हाट इज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ सीमेंट। तो आई होप आप सबको ये प्रोसेस समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।